सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर के, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इसके क्या क्या ऑप्शंस है और क्या आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और मेरे अनुसार ये स्क्रीन रिकॉर्डर बेस्ट है या नहीं, और क्या इसके प्रो है एंड क्या इसके कौन सा है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चाहिए। एक्चुअली फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर जो है, ये जो देख रहे हो ये ऑप्शन कुछ इस तरह से आइकन आपको देखने को मिलता है। इस स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में ही इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं इस स्क्रीन रिकॉर्डर जो फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है इसे मैं एक्चुअली ऑन करता हूँ, तो ऑन करने के बाद फिर सबसे फर्स्ट लुक जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। देख सकते हो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखो फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर कुछ इस तरह से लोगो है, और देख सकते हो आप रिकॉर्ड वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से ऑप्शंस है। यहाँ पे देख सकते हो फुल स्क्रीन या फिर कस्टम कोई भी स्क्रीन को चाहो तो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, और वेबकैम का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। स्पीकर के ऑप्शन भी है, माइक्रोफोन फोन के भी ऑप्शन है, और लेकिन यहाँ पे मेरे को माइक्रोफोन को यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ जो कि मेरे को सही लगा, लेकिन माइक्रोफोन टेस्ट करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और शेड्यूलिंग भी यहाँ पे दे रखा है कि इतने टाइम के बाद ये रिकॉर्डिंग ऑफ या ऑन हो सकता है। और रिकॉर्ड ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देखो इस तरह से ऑप्शंस हैं। स्क्रीन शॉट्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से ऑप्शंस हैं, और सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरह से ऑप्शंस हैं। सेटिंग में देखो कितने सारे ऑप्शन, सेव टू मतलब कोई स्पेसिफिक पाथ पे मैं जाके चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, मैं वीडियोज़ को सेव कर सकता हूँ कोई स्पेसिफिक पाथ पे। माउस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देखो इस तरह से ऑप्शन है, सो माउस मूव इन रिकॉर्डिंग, मतलब आप चाहो तो अनचेक कर सकते हो, मतलब माउस के जो मूवमेंट है वो आप हटा सकते हो अपने स्क्रीन रिकॉर्डर जब आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे होते हो। तो काउंट डाउन के ऑप्शन भी है, मतलब काउंट डाउन के ऑप्शन को भी आप हटा सकते हो। ड्रॉइंग टूल्स मतलब सो ड्रॉइंग टूल्स, यहाँ पे ड्रॉइंग टूल्स होते हैं जितने भी इरेजर या फिर जो भी होता है उसे आप ला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्टकट्स देख रहे हो आप, शॉर्टकट आप सेट कर सकते हो, आप अपने अनुसार स्पेसिफिक शॉर्टकट सेट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए आप स्पेसिफिक शॉर्टकट सेट कर सकते हो जो कि मेरे को सही लगा। और अदर्स के ऑप्शन पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे दो अपडेट के ऑप्शन को आप अनचेक भी कर सकते हो एक्चुअली, सो मैसेज मतलब मैसेज जो अपडेट वाला था उसे हटा भी सकते हो। प्रीसेट वगैरह फ्रेम रेट आप चेंज भी कर सकते हो, मैक्सिमम फ्रेम रेट यहाँ पे 120 FPS देखने को मिला जो कि मेरे को बिल्कुल ही सही लगा। 120 FPS का फ्रेम रेट यहाँ पे को देखने को मिल जा रहा है फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर में। और क्वालिटी कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हो, प्रीसेट वेरी फास्ट या फिर देखो वेरी स्लो भी है, अल्ट्रा फास्ट भी है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और भी देखता हूँ और भी क्या ऑप्शंस हैं, फिलहाल तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से हटाऊँगा। और देखो सेटिंग्स के ऑप्शन पे तो मैंने दिखा दिया, रिकमेंडेड के ऑप्शन पे जाता हूँ तो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स ओपन करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर कैप्चर कस्टम मिस्क, और यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ अपने कंट्रीज को। और यहाँ पे सेटिंग का जो आइकन है इस पर क्लिक करके देखता हूँ, एक्चुअली सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ऑप्शंस है, वेबसाइट्स है, रजिस्टर है, ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो वही ऑप्शन मेरे को देखने को मिल जा रहा है। और भी यहाँ पे देखो क्या क्या है, देखो मेरे को इसमें अब मेरा ओपिनियन ये होना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या सही है या नहीं है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली देखो अगर आप मैक्सिमम FPS रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, मतलब अच्छे FPS फ्रेम पर सेकेंड जो होता है FPS उस पर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर सही हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे किसी भी तरह के माइक टेस्ट करने के लिए आपको कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि आप जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो मतलब आप रिकॉर्डिंग करने के बाद से आपको टेस्ट करना होगा कि एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग जो है वो हुआ है या नहीं प्रॉपर, तो ये मेरे को सही नहीं लगा क्योंकि कम से कम माइक टेस्ट का जो एक होता है माइक टेस्ट की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, तो वो मेरे को बिल्कुल बेकार लगा। और यहाँ पे वेबकैम वगैरह भी है, और सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि यहाँ पे मैक्सिमम FPS जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, 120 FPS, ठीक है, तो ये मेरे को सही लगा। और भी मेरे को इतना खास ये स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं लगा, लेकिन आप इसे अगर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, और फास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर मतलब अच्छे खासे स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। और अगर ये स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मे बी आपको वहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए पहली बार विजिट कर रहे तो फिर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता फिर एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़।